गांधी सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम उपखंड अधिकारियों को वर्तमान में चल रहे हालातों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के क्रम में सर्वप्रथम प्रवासी लोगों के लाने और ले जाने के लिए जिस प्रकार से लोगों ने आवेदन किए हैं और कैसे बीकानेर निवासी जो बाहर राज्यों में स्थित हैं उन्हें किस प्रकार से बीकानेर में लाया जाए, इसको लेकर अमर पाल गौतम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखंड अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आइए आपको ले चलते हैं राजीव गांधी सेवा केंद्र। दिस इज एक्चुअली इस तरह से तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अपने को तो केवल वो लेबर भेजनी थी कि जो अपने कैंप में रह रही है, जो हमने कैंप चला रखे हैं, आपने 1100 लेबर बता रखी है। बाकी जो लेबर है अगर वो जाना चाहती है तो वो अपना जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं उस बारे में, और अपनी कोई बस जैसे ले लिया और उसको परमिशन आगे नियमानुसार दी जा सकती है अगर वो स्टेट लेने को तैयार है तो। मानिए जैसे पंजाब के लिए वो तैयार होगी, बॉर्डर पर रुक जाएगी, दूसरे जिले में इश्यू क्रिएट हो जाएगा। तो अपने लेवल पर डिसीजन लेने से कम आप ये चर्चा कर लें, यहाँ जो माइग्रेशन सेल बनी हुई है उसमें पूछ लें, कंसल्ट कर लें, और जो अपने सिस्टम से रोडवेज बसों के माध्यम से वगैरह जो भिजवाए जा रहे हैं ये वो लेबर भिजवाए जाने हैं। जैसे यूपी सरकार ने स्पष्ट कहा है हम केवल और केवल वही लेबर लेंगे जो माइग्रेटरी कैंप में रह रही थी 14 दिन से पहले, जो फैक्ट्री में या कहीं दूसरी जगह रह रही थी वो नहीं लिए जाएंगे। तो इसीलिए आप जो है जो भी निर्देश सरकार से आ रहे हैं उनका कम से कम।